हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के ना 11:30 हो गए हैं और अभी काम सारा मेरा निपट गया है। झाड़ू पोछा, नाश्ता वगैरह, बर्तन वगैरह सब धो लिया, सारा काम मैंने निपटा दिया है और नहा के भी मैं आ गई हूँ। और आज मैंने बाल धोए थे, आज शुक्रवार है तो मैंने बाल भी धो लिए थे, तो बाल भी अब मेरे थोड़े बहुत सूख गए हैं। पूजा पाठ भी मेरी हो गई है और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं। और दिन के खाने के लिए मैंने राजमा की दाल भिगो के रख रखी थी रात को, तो मैंने उबाल के रख दी है, बस उसमें तड़का लगाना है। तो अभी खाना खाने के लिए तो हस्बैंड जी 2 बजे करीबन आते हैं, तो अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं दाल, बस उबाल के रख दी है मैंने, पक गई अच्छे से। और उसके बाद मैं अब थोड़ी देर के बाद ही तड़का लगा दूंगी। और काम मेरा सारा लगभग निपट गया है। और आज ना मैं सुबह 5 बजे से उठ रखी हूँ और आज काफ़ी सारा काम भी था सुबह से, और मैंने कहा चलो सारा ही काम निपटा दिया अब, और बस मैं अब थोड़ी देर मैंने कहा चलो रेस्ट करती हूँ। रेस्ट भी क्या, मैं थोड़ी देर गांव में जा रही हूँ, थोड़ा कुछ काम था। एक दीदी ने मुझे फ़ोन किया था कि सरिता घर पे आना, मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूमना भी हो जाएगा, मैं घूम के आती हूँ, क्योंकि आधा एक घंटा उनके घर बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। तब तक 1-1.5 बजे करीबन ही मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि दाल तो मैंने उबाल के रख रखी है, बस चावल ही बनाने मैंने और तड़का लगाना है। और उसके बाद तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी, जब तक हस्बैंड जी खाना खाने के लिए आएंगे, उससे पहले आ जाऊंगी मैं, क्योंकि हस्बैंड जी तो 2-2.5 बजे करीबन आते हैं खाना खाने के लिए घर पे, और मैं तो खैर आ जाऊंगी 1 बजे करीबन। तो बस उसके बाद मैं दाल दूल बना लूंगी और तुरंत मैं चावल भी चढ़ा दूंगी साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। और आज बाहर बहुत बढ़िया धूप लगी हुई, और थोड़े से मैंने कपड़े भी धो रखे थे। कल के कपड़े तो मेरे सूख गए थे, पर थोड़े बहुत अभी धो दिए थे मैंने थोड़े से, जो मैं अभी, और ना अभी सारे कपड़े मैंने धो के रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को अब गांव की तरफ ही। और देखिए आज ना काफी बढ़िया धूप लग रखी है, मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं कहीं बादल लगे हुए हैं, पर धूप बढ़िया खिली हुई है आज। और अब देखिए चारों तरफ हरियाली हो गई, बहुत अच्छा लगता है आजकल ना। और यहाँ पे बस थोड़े से मैंने कपड़े डाल रखे हैं, ज्यादा कपड़े नहीं थे आज, बस थोड़े बहुत कपड़े थे। आज बहुत बढ़िया धूप लगी हुई है, तो चलिए मैं चलती हूँ अब गांव की तरफ। बस अब जा रही हूँ मैं गांव की तरफ, तो मैं घर से आ गई थी, मैंने कहा चलो अब मैं गांव की तरफ जाती हूँ थोड़ी देर, काम को मेरा सारा निपट गया था और बस दाल दूल में उबाल के आ रखी थी, पका के आ रखी थी, और अब मैं आके ही खाना बनाऊंगी। तो दिन में तो ऐसे भी हम दाल चावल ही बनाते हैं, रोटी वगैरह हम कभी कभार बनाते हैं, डेली तो नहीं बनाते, कभी कभी, और ऐसे हम दिन में दाल और चावल बनाते हैं डेली। और हस्बैंड जी भी ऐसे लेट ही आएंगे 2-2.5 बजे तक, कभी वो 2 बजे आ जाते हैं, कभी 2.5 बजे आते, ऐसे करके आते खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बैठ जाते हैं थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा या आधा घंटा ऐसे तो मैं बैठ ही जाती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ, पर जब जाती हूँ तो थोड़ी देर मैं बैठी रहती हूँ दीदी के यहाँ या इधर उधर गांव में, जब जहाँ भी जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठी जाती हूँ, फिर बातें बुते करते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है जब कहीं जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो कभी कभी जब जाती हूँ तो थोड़ा मैं लेट तक बैठती हूँ, तो अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी तो खाना बनाने के लिए बहुत टाइम है। मैंने कहा चलो आधा 1 घंटा मैं बैठ जाऊंगी दीदी के घर पे। और ये देखिए यहाँ पे ना माल्टे वगैरह भी लगे हुए काफी सारे, और बस उसके बाद मैं यहाँ पे दीदी के घर पहुंच गई थी, और दीदी यहाँ पे सगवाड़े में थी अपने। और ये देखिए यहाँ पे ना दीदी ने खूब सारी चीजें बो रखी है, जैसे अदरक हो गया, भिंडी हो गई, और ये भिंडी के पेड़ ना इतने बड़े बड़े थे, काफी बड़े पेड़ थे, मैंने पहली बार देखी ऐसी भिंडी। और इसके बाद यहाँ पे माल्टे वगैरह और मिर्च वगैरह, मिर्ची भी अब लगभग पक के तैयार हो गई है, और कुछ कुछ मिर्च पक गई है और कुछ अभी हरी है। तो दीदी यहाँ पे खुदाई भी कर रही थी, इसके बाद शायद दीदी अब इसमें लहसुन बोएगी। और काफी सारे सगवाड़े इनके यहाँ पे ना, और सामने कद्दू वगैरह बो रखे है दीदी ने, और ये भिंडी के पेड़ है, काफी बड़े बड़े लंबे हो रखे थे ये वाले पेड़ ना, अब तो भिंडी कमी है इसमें, पर थी अभी भी थोड़ी बहुत। और इसके बाद मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी छोटी छोटी क्लिपे ले लेती हूँ। और ये देखिए सामने माल्टे, माल्टे अब तो नवम्बर दिसंबर में ही पक्के तैयार हो जाएंगे, जनवरी में अच्छे से पक्के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैंने छोटी छोटी क्लिपे ले ली थी, यहाँ पे पेड़ देखो कितने लंबे लंबे थे भिंडी के, और ये सामने अदरक था बोया हुआ, और यहाँ पे ना ककड़ियां वगैरह खूब सारी हो रखी थी दीदी की। तो दीदी ने इसीलिए बुलाया था कि सरिता आना, सब्जी भी लेके जाना, ककड़ी वगैरह लेके जाना। मैंने कहा चलो ठीक है दीदी, मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। और पहले ना हम यहीं पे रहते थे, इनके बगल में, दीदी के बगल में रहते थे, बगल में एक मकान था तो वहां पे रहते थे हम पहले ना, 1-1.5 साल तक हम वहीं रहे, और बहुत अच्छा लगता था सची। जब सर्दियों की ऋतु होती थी तो मैं और दीदी ना आराम से एक जगह बैठे रहते थे, चाय चुई पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था।
और मुझे ना अब चाय की आदत भी काफी हो गई। यहाँ आके ना यहाँ के लोग काफी चाय पीते, और अब पहले मैं इतनी चाय नहीं पीती थी, अब तो मुझे भी इतनी पसंद है चाय। कुछ भी काम करो तो उसके बाद मुझे चाय चाहिए, बहुत अच्छी लगती है मेरे को चाय, बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। इसके बाद दीदी ने यहाँ पे ये मिर्च रख दी थी कि सरिता तो तब तक ये मिर्च निकाल ले अपने लिए। मैंने कहा चलो मैं बैठ के निकाल लेती हूँ, और मैं आ रही हूँ कि थोड़ी ये खुदाई कर देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं बैठ जाऊं, दोनों आराम से बैठेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दीदी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये थोड़ी बहुत मिर्च निकाली थी इसमें से, और ये देखिए तब तक दीदी ये मुंगरी भी लेके आ गई थी। हमारे यहाँ तो टेंटे बोलते इसको, ये मक्के भुट्टे और इनके यहाँ मुंगरी बोलते। और तो दीदी ककड़ी भी लेके आ गई थी, और यहाँ पे मिर्च नमक लगा रही थी दीदी इसमें ना, पिसा हुआ नमक। मैंने कहा चलो अब आराम से बैठ के खाते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। मैंने कहा मैं भी आराम से, उसके बाद जाऊंगी घर। और तब यहाँ पे दीदी तब तक मेरे को यहाँ से मुंगरी लेके आ रही थी, और टेंटे, हमारे यहाँ तो टेंटे बोलते या इनके यहाँ मुंगरी बोलते है भुट्टे। और जैसे अभी दीदी ने ताजे ताजे तोड़ रखे ना, ये बड़े टेस्टी होते। और ये वाली भिंडी ना इतनी बड़ी थी ना, मैंने यहाँ पे छोटी सी कटी थी। फ्रेंड्स, मैं अभी गांव से वापस आ गई हूँ, तो दीदी ने आज काफी सारी चीजें दे रखी है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या दिया है दीदी ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी है मुझे दीदी ने, और ये देखिए यहाँ पे काफी सारी मक्की दे रखी है। ये हमारे यहाँ ना इसको टेंटे बोलते वैसे, और यहाँ पे ना गढ़वाल में मुंगरी बोलते हैं। और यहाँ पे लौकी दे रखी दीदी ने, और दो ककड़ियाँ दे रखी है, और साथ में ये बैंगन दे रखे है, और ये मिर्च दे रखी है हरी वाली मिर्च, और साथ में ना मुझे जखिया भी दे रखा है। ये जखिया ना बिल्कुल दिखाती हूँ आपको खुल, और ये होता है जखिया इस तरीके का। और ये ना जैसे हम क्या बोलते हैं आलू की सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके साथ के लिए ना काफी अच्छा होता है। ये जखिया दे रखा दीदी, साथ में एक बोतल मट्ठे की। मैंने कहा चलो मैं ना कल मट्ठे वाली कढ़ी बनाऊंगी, आज तो मैंने राजमा की दाल बना रखी है, अभी मैंने तड़का नहीं लगा रखा है, बस राजमा की दाल बना के रख रखी है, अब तड़का लगा दूंगी थोड़ी देर में। और ये मट्ठे की बोतल, और ये भी जखिया दे रखा है एक दीदी ने, ये गाँव से आ रखा है, कल शाम को दिया था किसी ने, तो खूब सारा जखिया आ गया। और यहाँ पे ये इतना सारा जखिया इसमें है, और ये भी जखिया है, तो अब मैं दोनों सुखाने के लिए रख दूंगी। और ये के छोटी खीरा ना हमारे पड़ोस की आंटी जी ने दे रखी है, पड़ोस वाली आंटी जी ने, तो उनकी भी काफी खीराएं हो रखी है आजकल, तो उन्होंने भी दी मेरे को ये खीरा। उन्होंने दो दी थी, एक तो हमने काट रखी है अभी, एक तो हमने कल खा ली है, और एक ये दे रखी है। और यहाँ पे दो किराएं ऑलरेडी दीदी ने दे रखी है। और यहाँ पे ये अचार दे रखा था हस्बैंड जी के पास, किसी ने ना गाँव में किसी ने दिया था, ये आम का अचार है, और सच में बहुत अच्छा हो रहा है ये अचार। गांव में रहने के ना यही फायदे होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, दीदी ने मुझे क्या क्या दिया है, और सच में गांव में रहने के ना यही फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सब्जियों के टाइम में काफी सारी सब्जियां मिल जाती है आजकल ना, जैसे लौकी है, करेले है, और कद्दू है, बहुत सारी सब्जियां होती है आजकल। तो बस अब मैं ना खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे, अब ना अभी टाइम तो शायद 1 बज गया है, तो चलो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने देखा तो नहीं अभी, चलो देखती हूँ एक बार, 1:26 हो गए, तो चलिए मैं भी अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। दाल तो मैंने उबाल के रख दी है, बस तड़का लगाती हूँ फटाफट से, और एक साइड चावल चढ़ा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती है आप लोगों से बाद में। हस्बैंड जी आ रखे घर पे थोड़ी देर, उनको कुछ काम था, तो ये देखिए हस्बैंड जी के पास भी एक खीरा दे दी किसी ने। तो आजकल ना सच में काफी सारी किराएं आ गई, इससे पहले ना काफी सारी लौकियां खीराएं आ रखी थी, तो वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और ये देखिए एक किरा और भी आ गए, और अभी ना आम भी दे रखे उन्होंने, जिन्होंने एक किरा दी उन्होंने आम भी दे रखे है। सच में गाँव में रहने के ना बहुत फायदे होते हैं, सब्जियों के टाइम काफी सारी सब्जियां मिल जाती है। ये थोड़े से आम भी दे रखे है, 4-5 दाने आम के भी दे रखे है, और साथ में ये खीरा देख लो, आज कितनी सारी खीराएं आ गई, 1, 2, 3, 4 तो खीराएं आ गई। एक मैंने काट के फ्रिज में रख रखी है, तो आज ढेर सारी सब्जी तो खीराएं बहुत ज्यादा आ गई, आज 4 खीराएं और 1 खीरा मैंने काट के रख रखी है फ्रिज में। आम भी आ गए, और ये मक्की भी आ गई, और साथ में लौकी और हरी मिर्च, काफी सारी चीजें आ गई आज। ना मैंने दाल उबाल के रख दी है, और बस तड़का लगाती हूँ फटाफट से, और चावल चढ़ाती हूँ, और यहाँ पे दाल अच्छे से पक के तैयार हो गई है। ये खीरा ना मैंने यहाँ पे कट करके रखी है, और ये मैंने फ्रिज में रख रखी थी, मैंने कहा चलो मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि खाना बना रही हूँ तब तक थोड़ा सही हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी खीरा, नहीं तो बिल्कुल ठंडी हो रखी है।
और अब हो गया है शाम का टाइम। मैंने कहा चलो अब मैं ना सबसे पहले आज चाय नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा ये बूटे भून लूंगी, और क्योंकि आज ताजे ताजे है तो ताजे ताजे ना काफी टेस्टी भी होते हैं। मैंने कहा चलो मैं इनको भून लेती हूँ आज, चाय की कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वैसे ना मैं पहले मेरे पास लकड़ियां रहती थी, तो इस बार ना लकड़ी नहीं तो मैं चूल्हे पे भूनती। चूल्हे पे तो कुछ अलग ही स्वाद आता है, इस पे तो इतने अच्छे से स्वाद नहीं आता इस पे गैस चूल्हे पे पर, लेकिन जो चूल्हे की बनी हुई भुनी हुई ये भुट्टे होंगे ना वो काफी टेस्टी होते हैं। पिछली बार तो मेरे पास लकड़ियां भी थी तो मैंने चूल्हे पे भुने थे, पर इस बार लकड़ियां नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं गैस चूल्हे पे ही भून लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने भुन लिए थे चार, पर चार तो हमने खाए नहीं, मैं लेके गई थी पर हमने दो ही खाए, दो हमने अपने पड़ोसियों को दे दिए थे, यहाँ पे जो आस पड़ोस में तो उनको दे दी थी हस्बैंड जी ने। और इसके बाद ना मैंने यहाँ पे जो मिर्च दे रखी थी दीदी ने ये भी मैंने अच्छे से साफ कर ली है, और ये डंठल अलग निकाल दिए इसके, और इसका मैं नमक बनाऊंगी बाद में। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मेरी यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गई है, और आज दिया बत्ती मैंने कर दी थी जल्दी से ही।